असम के तुनसुकिया में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि संदिग्ध उग्रवादी हमले में 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उल्फा उग्रवादियों ने इन्हें अगवा करके गोली मारी थी। गुरुवार शाम को करीब 7:45 बजे हमले में उग्रवादियों ने 6 युवाओं को उठा लिया था और इसके बाद उग्रवादी इन युवाओं को ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ले गए और बेरहमी से गोली मारते हुए मौत के घाट उतार दिया। 4 लोगों की मौके में मौत हो गई जबकि एक की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हुई। एक जख्मी शख्स को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारे गए सभी लोग बांग्लाभाषी थे। हालांकि उल्फा ने हमले के पीछे अपना हाथ होने से इनकार कर दिया है। इस हमले के विरोध में तिनसुकिया में बांग्लाभाषी लोगों ने बंद बुलाया और इससे पहले असम के गुवाहाटी में 13 अक्टूबर को भी एक धमाका हुआ था जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाका शुक्लेश्वर घाट के पान बाजार के पास हुआ था। और हमले के बाद जैसा कि अमूमन देखा जाता है सियासत सबसे पहले शुरू हो जाती है, यहां पर भी कुछ यही देखने को मिला। सियासत शुरू हो गई है। असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। किसी संगठन या शख्स को अगर किसी मुद्दे पर कोई आपत्ति है तो उसके लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। ये यहां के मुख्यमंत्री का कहना है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमले पर दुख जाहिर तो किया लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये मसला यानी कि ये जो हमला है एनआरसी का नतीजा तो नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाते हुए ये सवाल ममता बनर्जी ने उठाया और इसी के साथ सियासत को जरूर गर्मा दिया है।